अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फैशनियर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पेटी में सेंटर पैनल डाल के फ्रॉक की कटिंग। ये आप देख सकते हैं, ये स्टिच किया हुआ फ्रॉक है, इसी की हम आज कटिंग सीखेंगे। नीचे से इसके चुनर्स डाले हुए हैं सेंटर में, और नीचे इसके फैशन पट्टी लगा कर छोटी छोटी लैस लगा के इसकी खूबसूरती जो है वो बढ़ाई गई है। तो ये कैजुअल पहनने के लिए बहुत अच्छा फ्रॉक है, जिसे आप ड्यूटी करते हुए भी इजीली पहन सकते हैं, घर में भी, और बहुत कंफर्टेबल है पहनने में, बहुत आरामदेह है। इसी की हम आज कटिंग सीखेंगे। आप देखेंगे कि ये किस तरह से कपड़ा है और इसको मैंने किस तरह से कटिंग की है। ये इसकी बैक साइड है छोटे छोटे फ्लावर्स वाली, और ये इसकी लाइनिंग वाली फ्रंट साइड है। मैं इसको इस तरह से अलग अलग कटिंग नहीं करूंगी, बल्कि इसको मिक्स करके फ्रंट और बैक को तो कटिंग करूंगी, जिससे इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। ये लाइनिंग वाला कपड़ा है, इसलिए कैमरे में इस तरह से ये आ रहा है। ये इसको अलग करके, ये इसकी बैक साइड है जिसको मैं फ्रंट में भी यूज करूंगी। फ्रंट साइड पे इसका सेंटर में जो हमने आपने चुनर्स वाला देखा, नीचे वाला हिस्सा, उसकी हम सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। बॉर्डर वाला कपड़ा उतार लेंगे। इसकी मुझे टोटल लंबाई फ्रॉक की 37 इंच तक चाहिए। 15 इंच पेटी का मार्जिन रखते हुए बाकी 22 इंच जो नीचे वाला हिस्सा है वो मैं इसका अलग कर लूंगी। 22 इंच तैयार चाहिए, तो 23 इंच रख के 1 इंच का मार्जिन छोड़ के इसको मैं कटिंग कर लूंगी। इस तरह से ये कपड़ा मैंने अलग कर लिया। ये सेंटर वाला जो इसका पोर्शन है वो कटिंग हो चुका। इसको इस तरह से मैं सेंटर से काट के 2 पीसेस में कर लूंगी। इसका बॉर्डर नीचे आएगा जो बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर ये बैक पे चला जाता तो इतना अच्छा नहीं लगना था, इसलिए मैंने इसको फ्रंट में भी यूज किया। आप भी इसी तरह से मिक्स करके तो कटिंग करके खूबसूरत बना सकते हैं। अब हम इसकी पेटी की कटिंग करेंगे। पेटी का जो सेंटर पैनल है वो हम पहले काटेंगे। इसकी मुझे 7 इंच तक चौड़ाई चाहिए तैयार। 8 इंच पे रखूंगी, 1 इंच का मार्जिन छोड़ दूंगी दोनों साइड से स्टिचिंग के लिए। इस तरह से 8 इंच की पैमाइश करते हुए इसको मैं कटिंग कर लूंगी। सेंटर पैनल जो है पेटी का, ये देखें, ये 8 इंच पे मैंने इसका इसकी पैमाइश की, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो मैं इसके साथ से उतार लूंगी। ये पेटी का सेंटर पैनल जो है वो कटेगा। इस तरह से इसको मैं दरमियान से अलग अलग कर लूंगी। इस बात का ख्याल रखें कि जो फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, उनका रुख जो है वो उल्टा ना हो। इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा साथ से उतार दिया। ये 17 इंच तक रखा है मैंने, 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। इस तरह से इसको मैं काट के तो यूं फोल्ड कर लूंगी। ये आप देखेंगे बहुत खूबसूरत फ्रॉक जो है वो इस कटिंग में बनेगा। जैसे इसका कपड़ा था फ्रंट लाइनिंग में और बैक फ्लावर्स वाली, तो वो इतना अच्छा नहीं लगना था। ये लाइनिंग वाला इसकी फ्रंट साइड थी, जिसकी मैं कलियां काटूंगी साइड वाली। इसकी मैं पैमाइश कर लूंगी, बल्कि पैमाइश करके पहले से मैंने इसको कटिंग किया हुआ है 2 इंच का मार्जिन छोड़ के। 39 इंच ये कपड़ा है, 1 इंच ऊपर से मार्जिन छोड़ा है और 1 इंच नीचे से। इसके नीचे से फोल्डिंग नहीं होगी, इसके नीचे फैशन पट्टी लगेगी, इसलिए इसका मार्जिन 1 इंच ही काफी है। 1 इंच से भी कम हो जाए, 1/2 इंच तो भी काफी है। इसको मैं इस तरह से काट के साइड से 4 पीसेस इसके कर लूंगी। अब इसका पेटी का जो सेंटर पैनल है वो हम इसके साथ रखेंगे। 1 इंच तक ऊपर रखूंगी साइड वाली कलियों के ऊपर, ताकि जब स्टिचिंग हो तो पेटी जो है वो तंग ना हो, फ्रॉक तंग ना हो। इसका तीरा मुझे 14 इंच तैयार चाहिए। मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी, 15 इंच यानी के रखूंगी, 1 इंच स्टिचिंग में जाएगा और 14 इंच तैयार रह जाएगा। इस तरह से निशान लगा लूंगी। ये लाइनिंग वाला कपड़ा है, इस पे निशान जो है वो इतना वाजे नहीं हो रहा। ये देखें, ये मैंने 1 इंच तक तकरीबन ऊपर रखा इसको, ताकि स्टिचिंग में जब कपड़ा जाए तो मसला ना बने। 7.5 पे ऊपर से कंधे से
तीरे से और 8 इंच नीचे को हम कंधे की कटिंग का निशान लगाएंगे। चेस्ट से मुझे 18 इंच तैयार चाहिए। मैं 20 इंच पे यानी कि डबल करके 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। जब खुलेगा तो ये 20 इंच हो जाएगा। 1 इंच का मार्जिन दोनों साइड से 1-1 इंच का छोड़ दूंगी। इस तरह से निशान लगाऊंगी कंधे की कटिंग का। ऊपर से भी सीधा निशान लगा लूंगी। लाइनिंग वाला कपड़ा है इसलिए कैमरे में इतना वाजे नहीं हो रहा निशान। अभी मैं कंधे की गुलाई कर लूंगी इस तरह से। और नीचे को कमर पे पेटी के बराबर में आके ऊपर से 7 इंच छोड़ के कंधे की कटिंग के साथ से 7 इंच पे तकरीबन पेटी की जो कमर है वो बनती है मीडियम फ्रॉक की। तो यहाँ से मुझे 16 इंच तैयार चाहिए। मैं 18 इंच पे निशान लगाऊंगी, डबल करके 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। जब खुलेगा तो 18 हो जाएगा। इस तरह से मैं इसको सीधा यहाँ से कमर तक शेप दे लूंगी। यहाँ से मैंने 10 इंच पे निशान लगाया टोटल और यहाँ से 9 इंच पे यानी कि 2 इंच का मार्जिन छोड़ा दोनों साइड से और इस तरह से सीधा निशान लगा लिया। अब मैं यहाँ से इस तरह से इसको शेप दे लूँगी और यहाँ से सीधा इस तरह इसको रख के निशान लगा लूँगी। इस तरह से आसानी से हम इसको रख के कटिंग कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने इसका निशान लगाया। लाइनिंग वाले कपड़े की वजह से इस पे चौक का निशान जो है वो वाजे नहीं हो रहा, लेकिन कटिंग जब आप देखेंगे मुकम्मल वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगी। 1 इंच में दोनों ये 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा के तो इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लूँगी। 1/2 इंच ऊपर से कटिंग करूँगी फ्रंट और बैक दोनों साइड्स। और 1/2 इंच का निशान मज़ीद मैं सिर्फ फ्रंट साइड के लिए लगाऊंगी क्योंकि फ्रंट साइड से ऊपर से भी अगर कंधे से भी 1/2 इंच कटिंग और कर लें तो कमीज का गला जो है वो कभी भी पीछे को नहीं जाता। इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूंगी जिस तरह से निशान लगाया था। कमर तक आते हुए अंदर की तरफ आ जाऊंगी। ये देखें ये मैंने इसको साइड वाला जो कपड़ा था उसको कलियों की शेप दे ली। अब मैं इसके ऊपर से कंधे से कटिंग करूंगी 1/2 इंच दोनों साइड्स को रखते हुए फ्रंट और बैक दोनों की। अभी इसका जो फ्रंट साइड है 1 इंच यहाँ से निशान मजीद लगा के 1 इंच में गोलाई करते हुए मैं इसको काट लूंगी इस तरह से। सिर्फ फ्रंट साइड जो है वो हम ऊपर से यहां से इस तरह से गुलाई में कर लूंगी फ्रंट साइड वाली कलियों की और इनको मैं 1/2 इंच मजीद ऊपर से भी काट लूंगी अलग से सिर्फ फ्रंट वाली कलियों को। ये देखें इस तरह से मैंने इनकी कटिंग कर ली। ये बैक साइड की है, ये फ्रंट साइड की कटिंग है ऊपर से तीरे की और ये फ्रंट और बैक की कंधे की। अभी इस तरह से इनको मैं रखूंगी जो मैंने सबसे पहले बॉर्डर वाला कपड़ा उतारा था। ये देखें ये हम यहाँ पे इसके रखेंगे इस तरह से तो आपको समझ आ जाएगी कि ये फ्रॉक कैसे कटिंग हुआ है और ये स्टिच होके कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से ये देखें ये फ्रॉक कटिंग हो गया।
आप देख सकते हैं इसकी कितनी आसान कटिंग है। अगर मैं लाइनिंग वाली फ्रंट साइड बनाती और ये फूलों वाली बैक साइड, तो ये बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं लगना था। इसको मैंने मिक्स कर दिया फ्रंट और बैक को। ये इस तरह से मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि ये जो हमने फ्रॉक कटिंग किया है ये कैसे लगेगा। ये स्टिच किया हुआ भी आपने देख लिया वीडियो के शुरू में, और कटिंग अब मैं कर रही हूँ तो भी मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि ये कैसे स्टिच होगा। ये इसका जो बॉर्डर वाला पोर्शन है वो भी इसके साथ इस तरह से सेंटर में चुनर्स डाल के ऊपर से हम लगा लेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये चुनर्स आप हाथ से भी डाल सकते हैं और मशीन की सिलाई लगा के भी डाल सकते हैं। मैंने ये चुनर्स मशीन पे सिलाई लगा के डाली हैं। मशीन पे जो चुनर्स सिलाई लगा के डाली जाएं वो ज्यादा खूबसूरत लगेंगे इस पे। ये देखें कमीज की साइड पे भी बॉर्डर था जो मैंने उतार लिया है, जो मैं कलियों के भी नीचे मैंने उनको यूज किया वो आपने देखा स्टिच किया हुआ फ्रॉक में। इस तरह से इस फ्रॉक की कटिंग होगी। अब हम इसके बाजुओं की कटिंग करेंगे। आप देखें कितनी आसान कटिंग है। ये इसके बाजुओं का कपड़ा है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके तो इनकी कटिंग कर लूंगी। इसके बाजू मैंने आगे से चुनर्स वाले बनाने हैं इसलिए मैं बाजुओं की आगे से कटिंग नहीं करूंगी। इनकी मुझे 19 इंच तैयार लेंथ चाहिए, तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी आगे से बाजुओं के आगे वाली साइड से, 1/2 इंच का मार्जिन ही छोड़ूंगी और ऊपर से 1 इंच का, 1.5 इंच टोटल मार्जिन छोड़ूंगी, यानी 20.5 पे इनको रख के तुम्हें इस तरह से निशान लगा लूंगी सीधा। इस तरीके से और 3 इंच नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगा के तो इनको गोलाई में शेप दे लूंगी। और अब मैं इनकी कटिंग कर लूंगी। 3 इंच तक आपने नीचे की तरफ जाना है। इस तरह से सेंटर में हम इसके कट लगा लेंगे ताकि बाजू को जोड़ने में मुश्किल ना हो। इसके साइड से जो कपड़ा जो है रेप बन रहा है इसको मैं हल्का सा उतार के तो इसको बराबर कर लूंगी। आगे से इसके बाजू इतने ही खुले रहेंगे। इस तरह से इसके चुनर्स डालेंगे और आगे इसके पाइपिंग हो जाएगी। ये आप देखें कितनी प्यारी शेप बन रही है। आपने स्टिच किया हुआ फ्रॉक भी देखा, बहुत आसान कटिंग है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका नुकसान नहीं होगा हमारा फ़ायदा हो जाएगा। चलें जी,